Next question, uh, question says, two sources of sound placed close to each other are emitting progressive waves given by y1 is equal to 4 sin uh, 600 pi t and y2 is equal to 5 sin 608 pi t. Uh, Savale hai, an observer located near these two sources of sound will hear, options are 4 beat per second with intensity ratio 25 is to 16 between waxing and waning. 8 बीट्स पर सेकेंड इंटेंसिटी रेशो 25 फाइव 16, 8 beats बीट्स पर ratio, uh, ratio 81 is to एज टू वन या फिर 4 बीट्स पर सेकेंड इंटेंसिटी रेशो 81 वन इज टू वन ना बहुत ही बढ़िया सवाल है कॉन्सेपचुअल uh, जो क्लैरिटी रखते हैं स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वो, सिर्फ वो सवाल इस वो स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे मैं चाहता हूँ आपको कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी हो यहाँ पे दो अलग अलग इंटरफेरेंस uh, है उनको इस्तेमाल किया गया सबसे पहले बीट्स और उसके बाद यहाँ पे हमें दोनों का सुपरपोजिशन भी करना है Now, आपकी जो वेव्स दी हुई है सवाल को अच्छे से समझते हैं आपको जो वेव्स दी हुई है, सो पहले वाली वेव है उसको हम लिख रहे हैं ये दिया है अगर पहले वाली वेव की हम बात करें तो पहले वाली वेव को देख के हम कह सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड ए वन वो तो है फोर और उसकी ओमेगा जो है वो है आपकी सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड पाए सब ओमेगा जो है सिक्स हंड्रेड पाए है ओमेगा को हम लिखते हैं विच एम्प्लाइज ये हो गया टू पाई एफ़ वन इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड पाए आपकी एफ़ वन जो है इसकी फ्रिक्वेंसी वो हो गई थ्री हंड्रेड पाए कैंसिल हो जाएगा टू से डिवाइड हो जाएगा सो आपकी एफ़ वन जो है वो आ गई थ्री हंड्रेड हर्ट्स सिमिलरली uh, अगर हम दूसरी वेव की बात करें दूसरे वेव के लिए हम एक तो ये चीज़ आ गई अपनी ए वन तो दूसरी वेव के लिए हम कह सकते हैं ए टू जो है इसका ये हो गया फाइव और आपकी यहाँ पे एफ टू जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सेम आ, तरीके से वो हो जाएगी तीन सौ चार हर्ट्स नाव जब ये दोनों वेव सुपर पोज करेंगी तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है डेल्टा एफ ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी होएगी ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी होएगी और इसकी वैल्यू होगी तीन सौ चार माइनस तीन सौ यानी कि फोर हर्ड्स सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपकी फोर हर्ड्स होने वाली है तो so इसका मतलब ये है कि या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन सही है कि फोर बीट्स पर सेकेंड सुनाई देंगी इंटेंसिटी का रेशियो पर अभी निकालना बाकी है नाउ जब हम यहाँ पे इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे अगेन यहाँ पे वेव्स के कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होने चाहिए इंटेंसिटी का रेशियो जब हम कहते हैं आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम उसकी जब हम बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर यहाँ पे अपने को ए वन ए टू ऑलरेडी दिया हुआ है वो अपने को पता है बस यहाँ वैल्यू रखनी है इसका मतलब ये हो जाएगा फाइव प्लस नहीं इसको फोर प्लस फाइव लिख लेते हैं फोर प्लस फाइव और फोर माइनस फाइव इसका स्क्वायर यानी कि ऊपर हो गया फोर प्लस फाइव नाइन माइनस वन वन का स्क्वायर यानी कि एट्टी वन इज़ टू so, वन सो आपका रेशो इंटेंसिटी का हो जाएगा एट्टी वन इज़ टू वन सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी फोर बीट्स पर सेकेंड विद इंटेंसि इंटेंसिटी रेशो ऑफ एटी वन इज टू वन बिटवीन वैक्सिंग एंड वेनिंग सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर